निखिल जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। मनु भाकर ने इतिहास रचा है, एक पिता के तौर पर कितनी खुशी हो रही है आपको? हमें खुशी का अंदाजा नहीं है और आप सबका जोश देख के ना तो खुशी ही खुशी बढ़ती जा रही है। इतनी खुशी हो रही है कि बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो सर, हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आपकी बेटी ने करके दिखाया है। वाकई लग रहा है कि अब तो आज़ादी का जश्न बहुत लंबा चल रहा है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ वैसा। तो बहुत सारी चीज़ें मनु ने पहली बार की हैं। यूथ ओलंपिक का गोल्ड मेडल मनु ने जीता था, वो सबसे पहली बार ही था। कॉमनवेल्थ में रिकॉर्ड बना के किया, वो भी पहली बार ही था। 15 साल की उम्र में वर्ल्ड कप, सीनियर वर्ल्ड कप जीता, वो भी पहली बार ही था। तो हिंदुस्तान की इतिहास में मनु घर पर आएगी तो क्या कुछ इस बार रहेगा उनके लिए? आपने कुछ प्रिपेयर किया हो, सोचा हो आपकी वाइफ ने? हम मीडिया से और देशवासियों से सजेशन मांगेंगे कि हम क्या करना चाहिए उसके लिए। हम उनसे सबसे आप सबसे वो पूछेंगे कि मनु के लिए क्या करना चाहिए हमें। बट मनु कॉल है प्रधानमंत्री जी का, फ़ोन अभी भी बंद है तो मुझे पता नहीं है। आप लोग मुझे माफ़ करना कि आप लोग किसी का भी फ़ोन नहीं ले पाए। मैं वो बंद था, टीवी और फ़ोन बंद था। अभी ऑन करेंगे। बात होगी तो मनु से पहली बात क्या करेंगे? मनु को कहेंगे, मनु तेरे नाम का पराठा मम्मी ने बनाया, वो मैंने खा लिया। और मोदी जी का फ़ोन आया? मोदी जी का फ़ोन आया तो मोदी जी को ये कहेंगे, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और खिलाड़ियों को विशेष तौर पे मोटिवेट करते रहो। और जो बच्चा एक बार मोदी जी से बात कर लेता है ना, उसमें 80% एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो वो आप लोग देख ही रहे हो, मनु से बात किया तो मनु ने आज वापस मेडल जीत लिया। तो मोदी जी को एक हुआ। आप इससे पहले क्या एकदम मौन व्रत रखा था कि नहीं बेटी जब तक जीत ना जाए तब तक हम कुछ ना बोले, ऐसी कोई मन्नत आपने रखी हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इन जनरल में ना कि बहुत सारे फ़ोन और क्यूरी और बातें आती हैं, तो बातचीत करने करने में किसी का फ़ोन लिया जाता है, किसी का नहीं लिया जाता। तो बहुत चाहने वाले लोग हैं ना, ये सोच जाते हैं यार मेरा तो फ़ोन लिया नहीं और मैं तो उनका इतना अच्छा मित्र हूँ, तो बंद ही कर देते हैं। भगवान से कोई दुआ मांगी थी सर, कुछ ऐसा किया था कि जो इस बार आपका? हाँ, भी 12 साल से भारत को ओलंपिक में शूटिंग में पदक नहीं आया था, तो हमने भगवान को कहा था कि परीक्षा, कुंभ का मेला भी 12 साल में आ जाता है, तो इतनी परीक्षा ना लो बच्चों की और अपना आशीर्वाद बनाए रखो। अब ये ऐसा करने वाली पहली लड़की है कि दो दो मेडल, पहला दूसरा मनु लेकर के आई है और एक इतिहास रखा है, आज तक भारतीय किसी ने भी ऐसा खिलाड़ी ने नहीं किया है। हाँ, वो भी अभी आपसे पता चला कि मनु ने इतिहास रचा है, उसके लिए भी मनु को भी कॉन्ग्रेचुलेशन और पूरे देशवासियों को भी कि इस तरह जैसे मनु ने किया आगे आने वाले टाइम में और बच्चे भी करें। अच्छा सर, जब मैच शुरू नहीं हुआ था तब आपकी मनु से बात हुई, उनके दिमाग में क्या चल रहा था? भारत का तिरंगा लहराना है, जनगणमन होना है, किस तरह आज की अगर बात? नहीं, कल मनु से बात किया था शाम को 9 बजे, उसके बाद हम दोनों का फ़ोन बंद है। तो 9 बजे क्या बात हुई? अभी तो बताया था तेरा पराठा बनाया था, वो खा लिया मैंने। ये है मनु के पिताजी जिनका कहना है कि पराठा बना है, पराठा मैंने खा लिया। मोदी जी से बात होगी तो मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि मोदी जी आपसे मिलने के बाद, आपसे बात होने के बाद अलग से ऊर्जा आती है और वो ऊर्जा यहाँ भी पूरी तरीके से नज़र आ रही है। तो मनु ने इतिहास रच लिया है और पहला इंटरव्यू नेशन पे देते हुए उनके पिता ने कहा कि जब वो आएंगे तो उनके लिए स्वागत किया जाएगा, पराठा बनाया जाएगा और अभी फ़ोन बंद है। यानी मोदी जी से लेकर के और मनु तक अभी उनसे किसी की बात नहीं हो पाई है। कैमरा सहयोगी राकेश चौहान के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, फरीदाबाद।